बाईस प्रतिज्ञाओं के लिए वोट मांगेंगे, या लक्ष्मी गणेश के लिए वोट मांगेंगे, या फिर पार्टी के एजेंडे पर वोट मांगेंगे। देखिए, ये जातिगत मुजरिम होते हैं और जातिगत इनको जेलों से लेकर बाहर तक ट्रीटमेंट मिलता है। जो मनु के पुत्र हैं, जो मनु की व्यवस्था को मानते हैं, वो लोग महिलाओं को समानता में न्याय कैसे दे सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहूँगी कि जिस तरह से अभी हाल ही में पिछले पिछले 1.5 महीने से लगातार का हंगामा हुआ है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर, तो 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बहुजन समाज तो चाहता है, सीने से लगा है कि भाई 22 प्रतिज्ञाएं लागू हों समाज में और समाज उनको एक्सेप्ट करे, उन पर चले, जीवन में उतारे। लेकिन ऐसा करने पर अगर कोई एक उनकी पार्टी का कोई एक मंत्री उस कार्यक्रम में शामिल होता है और प्रतिज्ञाओं का ग्रहण करता है, तो वहाँ से इस्तीफा ले लिया जाता है। और दूसरी बात, उसके बाद कहा जाता है कि भी हम तो प्रतिज्ञाओं में कहा गया है कि मैं गौरी गणेश गणपत महेश को जो है ईश्वर नहीं मानूंगा। उन्होंने कह दिया कि देश के नोट पर ही गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगनी चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि आप जब ये समाज इधर को चलना चाहता है, तो आप तो उस काट करते हैं, बैरिकेड्स बनते हैं और उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये समाज अब इस चुनाव में बताएगा कि आपने क्या किया है और आप क्या चाहते हैं, बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। केवल अंबेडकर की तस्वीर लगा करके आप एक दो बार तो ठग सकते हैं समाज को। अरे, एक बार तो आप किसी को भी लूट सकते हैं, कितना भी सीधा या शातिर हो, आ जाता है बातों में। लेकिन आप बार बार उसी पैटर्न पर आप लूटना चाहते हैं, तो समाज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक खुद को लूटने के लिए मौका देगा। और इस चुनाव में मुझे लगता है जनता जवाब देगी दिल्ली की। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को स्टार प्रचारक बनाया गया और जब प्रतिज्ञाएं ली तो उनसे इस्तीफा लिया गया। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी क्या जा करके, क्या कह करके वोट मांगे कि मेरे नेता को वोट दे दो, जो नेता देश की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर चाहता है। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब वो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए वोट मांगेंगे, या लक्ष्मी गणेश के लिए वोट मांगेंगे, या फिर पार्टी के एजेंडे पर वोट मांगेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देश की जनता तो दो तरह से गुमराह हो चुकी है ना। और खासकर दिल्ली की, जिस दिल्ली में लोगों ने जी खोल करके आप पार्टी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया, और केजरीवाल जी ने उसके बाद तुरंत अपना चेहरा दिखा दिया। पहले वो भगत सिंह की तस्वीर लगा रहे हैं, ये तो सारे युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। वो डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता और खासकर दिल्ली की जनता, जो जगह जगह पूरे देश भर से आकर के यहाँ रहती है, उसके दिल में कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर वास करते हैं, उनके विचारों पर वो प्रभावित हो रहा है, दुनिया प्रभावित हो रही है। तो ये देश कैसे बचा रह सकता है? तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को इस्तेमाल कर लिया। अब जब उन्हें लगा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को तो इस्तेमाल कर ही चुका हूं और ये लोग मेरे खेमे में आ चुके हैं, तो अब उन्होंने कह दिया कि भी जो इधर नाराज हो रहे हैं लक्ष्मी गणेश वाले, अब उनको भी मना लेता हूं। तो उनके लिए उन्होंने कह दिया कि देश की करेंसी पर उनका तस्वीर होना चाहिए। तो इस तरह से नेता का जो विजन है वो क्लियर नहीं है। और नेता अब जितने भी हैं, जब वोट मांगने आए तो जनता उनसे सवाल जरूर करे कि आपका 22 प्रतिज्ञाओं पर क्या स्टैंड है, ये क्लियर करिए। अगर आपका स्टैंड है कि यस, तो ठीक है, हम आपको वोट देते हैं। अगर आपका स्टैंड यह है कि भाई हम इन प्रतिज्ञाओं से अनभिज्ञ और इनसे हम सहमत नहीं हैं, तो जाइए, हम आपको वोट नहीं देते। और देखिए, चुनावी वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, और चुनावी वादे 90% ऐसे होते हैं जो हो ही नहीं सकते। और इस देश की सबसे बड़ी जो इस समय सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, वो खुद ही कह रही है कि वो तो जुमले थे। तो बहुत सारे वो जुमले ये भी देंगे, और जुमले हो सकता है कि जिस तरह से इन्होंने अभी तक दिए हैं, 90% के जुमले सामने आ चुके हैं इस बार, जब से ये 22 प्रतिज्ञाओं वाला कार्यक्रम हुआ है, और भी आ जाएंगे। और इस बार तो मुझे लगता नहीं कि देश की जनता इनके चेहरे को ना पहचानी हो, और दिल्ली की जनता इस समय एमसीडी चुनाव में ही पता कर देगी कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर जितना भी अभी तक लोगों को तस्वीरों के साथ बेवकूफ बनाया, बात आ रही है विचारों पर कि तस्वीर तो कोई भी रख सकता है, तस्वीर कूड़े में फेंकी जा सकती है, तस्वीर सड़क पर फेंकी जा सकती है, तस्वीर को इस्तेमाल कर करके कभी भी गलाया जा सकता है, पानी में गल सकती है, खराब हो सकती है, हवा में उड़ सकती है। लेकिन विचार विचार स्थायी होते हैं, विचार इंसान के जीवन में उतारे जाते हैं, विचारों से परिवर्तन होता है, विचारों से पीढ़ियां बदलती हैं। तो अब बात सीधी सीधी विचारों पर है। तस्वीरें आपने इस्तेमाल कर दी, अब हम देखना चाहते हैं कि आप विचारों पर कितना चलते हैं। देखिए, ये जातिगत मुजरिम होते हैं और जातिगत इनको जेलों से लेकर बाहर तक ट्रीटमेंट मिलता है। ये कहीं भी चले जाएं,
जब ये जाति से उच्च होते हैं तो इनकी मसाज भी उच्च ही होती है। जब हमारा आदमी छोटी छोटी चोरियों में भी जाता है और जब हमारा नेता भी जाता है तो उसको सड़ा दिया जाता है। आपको याद होगा लालू यादव जेल के अंदर किस तरह से बीमार थे, उनका लगभग ट्रीटमेंट कराने के लिए भी वो घर से गुहार लगाई गई। आजम खान दूसरे, अभी एक जेएनयू के विकलांग प्रोफेसर जिनको जब पानी पीने के लिए उनको प्रॉब्लम थी, जूस पीने के लिए उनको प्रॉब्लम थी, इतने बीमार थे, तो उनको एक स्ट्रो देने के लिए, एक पाइप देने के लिए भी जेलर ने और जेल के प्रशासन ने मना कर दिया था कि हम ये नहीं दे सकते क्योंकि ये इसमें नहीं आता सिस्टम में। और जहां आज वो जेल के अंदर बैठ करके एक अलग प्राइवेट रूम में मसाज करवा रहे हैं और दो चेले चपाटे उनके चारों तरफ बैठे हैं, तो उनके लिए जेल हो या बाहर हो उनकी सुविधा और ट्रीटमेंट उनका वीआईपी रहता है, क्योंकि जाति से ऊंचता इस देश के अंदर कभी नहीं जाती, चाहे वो जेल में हो या जेल के बाहर। परेशानी तब है ना जब जात से ऊंचा उसकी हो रही है और जात से नीचा उसको थर्ड डिग्री दिया जा रहा है, परेशानी है ना। फिर दोनों को समान दिया जाए थर्ड डिग्री के साथ। आप देखिए आज जितने भी केस देश के अंदर हैं, आप अभी पिछले 3 सालों से, 3 सालों में यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी बहुत सारे पत्रकार उठाए गए, चुपचाप उठाए गए, और चुपचाप उठा करके उनको लगभग दो दो डेढ़ डेढ़ साल जेलों में रखा गया। जब कसूर, अभी पीछे में पुनिया है, संदीप पुनिया, उनको उठाया गया, एक और थे साथी, उन्होंने एक वीडियो डाल दी, उनको उठाया गया। वीडियो जो 1990 की बनी हुई फिल्म का एक वीडियो वो डाल देते तो केवल इसी अपराध पर उनको उठा लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ठीक है कोई गलती नहीं है, छोड़ दिया। तब तक आदमी की हड्डियां तोड़ देते हैं, उसके शरीर की मसल्स को तोड़ देते हैं, इतना हार्म कर देते हैं कि वो बाहर आकर के इस लायक नहीं रहता कि शरीर से कुछ अच्छा कर सके। तो ये सारा इनके साथ देश के अंदर, जुडिशरी से लेकर के नीचे मजदूरी तक। आप अगर आप कहते हैं कि देश में जातिवाद पर आप बात कर रहे हैं या जातियों की वजह से आप उनको कह रहे हैं कि उनको मसाज मिल रही, तो क्या दिक्कत है? आप ऊपर से नीचे तक देखिएगा, जब आप ऊपर की ओर छटनी करेंगे तो ये ज्यादा दिखाई देंगे जो जाति से ऊंचे लोग हैं, जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको छोटी जाति जिनको ये सताते हैं, जिनको हकमारी बरसों से कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा संख्या दिखाई देगी। देखिए हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई उस विचार से है जो किसी किसी एक तबके के ही खिलाफ काम करता है और किसी एक वर्ग विशेष को ही ऊंचा बनाए रखने के लिए, सुविधाजनक बनाए रखने के लिए, उसके बच्चों के आगे तक पीढ़ियों का जोड़कर बनाए रखने के लिए काम करता है। हमारी लड़ाई ना तो मोदी जी से है, ना केजरीवाल जी से है, ना किसी जाति विशेष से, ना किसी जाति नेता से है, ना किसी पार्टी विशेष से है। लड़ाई है उस सिस्टम से जिस सिस्टम के अंदर लाखों करोड़ों लोग हर दिन दमित किए जाते हैं। लड़ाई है उस सिस्टम से जिसमें महिलाओं को पीछे रखा जाता है। लड़ाई है उस सिस्टम से जब आप इंटरव्यू करते हैं तो जाति का सर्टिफिकेट देख करके आपको पास किया जाता है। लड़ाई है उस सिस्टम से जब आप ईडब्ल्यूएस का कोटा देते हैं तो 10% रिजर्वेशन आप उनको दे देते हैं और उनका क्राइटेरिया ये रखते हैं गरीबी का कि 8 लाख वाला ब्राह्मण गरीब है और 2.5 लाख वाला जो जिसकी सालाना इनकम है, जिसका केवल 20-22 हजार रुपए महीने की सैलरी वाला, आपको जो है एससी गरीब दिखाई दे रहा है और 8-8.5 लाख वाला ब्राह्मण भी आपको गरीब दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये बताइए जब गरीबी का क्राइटेरिया, गरीबी का लेवल जो आपने रखा है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जिसकी 8 लाख सालाना आय है वो सवर्ण गरीब है, ठीक है, जब वो गरीब है तो वो टैक्स नहीं देगा ना। अब टैक्स मान लीजिए, टैक्स जब गरीबी का आंकड़ा 8 लाख पर हो गया तो 8 लाख के नीचे वाला जो है वो टैक्स क्यों दे, वो टैक्स पेयर क्यों बने सरकार के अंदर? लेकिन फिर भी एससी एसटी ओबीसी वाला 2.5 लाख सालाना इनकम वाला तो आपके लिए वो उसका उसका गरीबी का आंकड़ा 2.5 लाख पर है और आपके सवर्ण का 2.5 लाख छोड़ करके उछाल मारकर 4 गुना ऊपर जाकर के 8 लाख पर है। ये क्या है? यही तो है जाति की श्रेष्ठता। जहां पर आपका सवर्ण क्लास गरीब है वहां पर हमारा आदमी अमीर भी नहीं आपके लेवल पर पहुंच रहा है। आप देखिए वो 62 हजार रुपए की सैलरी महीना कमाने वाला क्या गरीब ब्राह्मण गरीब कहा जाएगा? वो दरिद्र हो गया, वो सुदामा हो गया, वो बेचारा हो गया। वो कैसे बेचारा हो गया जिसकी 62 हजार रुपए महीने की इनकम है? और वो कैसे अमीर हो गया जिसकी 20 हजार 15 हजार में जो पूरे दिन की हड्डियां कहलाता है? वो आपके लिए जो है उधर वो एससी का 22 हजार पर गरीब है और आपका 62 हजार पर गरीब है। यही है जातिगत भेदभाव और यही है जातिगत बंटवारा, यही है जातिगत देखभाल, यही है जातिगत कंडीशनिंग कि आप आरक्षण भी और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जितने भी हाई कोर्ट हैं सब में बैठे हुए वो लोग, सुनाने वाले वो लोग और फैसला जिनके पक्ष में जा रहा वो भी वही लोग, तो देने वाला और लेने वाला वो आपस में बांट रहे हैं एक दूसरे को, भाई भाई बंटवारा चल रहा है यहाँ पर। देश की जनता मूर्खों की तरह देख रही है इनको कि हाँ जी आज फैसला सुनाया जाए, क्या फैसला सुनाया जाएगा?
फैसला जिनके पक्ष में सुनाया जा रहा, सुनाने वाले उन्हीं के पक्षधर हैं, उन्हीं के घर वाले हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के भाई भतीजे दामाद हैं। आप मुझे बताइए जुडिशरी में और कौन है? चार परिवारों के अलावा कितने परिवारों को अभी तक आज़ादी के बाद में यहाँ मिला है? 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इनकी इनको जुडिशरी से बाहर कर दिया था कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये न्यायिक चरित्र इनके 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 जीन्स में ही नहीं है, इनको जो है न्यायिक प्रणाली में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब से अंग्रेज यहां से गए 1947 के बाद में, पूरी न्यायिक प्रणाली इनके कब्जे में है। देश के अंदर हर हर आप अगर चपरासी भी बनते हैं तो उसका इंटरव्यू होता है, उसका एग्जाम होता है। लेकिन क्या जो देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था है उसमें इंटरव्यू है? क्या उसमें एग्जाम है? नहीं है। यही है, परिवार से चल रहा है। एक आप बताइए, गरीब को न्याय कैसे मिल जाएगा? जातिगत में सताए गए लोगों को न्याय कैसे मिल जाएगा? जो मनु के पुत्र हैं, जो मनु की व्यवस्था को मानते हैं, वो लोग महिलाओं को समानता में न्याय कैसे दे सकते हैं? आप बताइए, जो अपने हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिसमें महिला को नरक का द्वार कहा गया, क्या वो महिला के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं? नहीं दे सकते, और ना आज तक ऐसा हुआ है। तो ये देश के अंदर सबसे पहला तो कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, जहां से न्याय मिलता है, जहां गरीब की उम्मीद टिकी होती है, जिसको सरकार से अलग और जिसको संविधान के अंदर सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वो न्यायिक प्रणाली आजाद होनी चाहिए इन मनुवादियों से। बात करने से क्या होता है पत्रकार महोदय? क्या आप जानते हैं कि इस देश में बातें बहुत सारी की जाती हैं? बात तो ये भी की जाती है कि भाई सावरकर जी जो है बुलबुल पर उड़ करके सेल्युलर जेल से आ जाते थे। क्या आप उड़ के जा सकते हैं? क्या मैं उड़ के जा सकती हूँ? क्या और अन्य अपराधी उड़कर आए हैं? अगर ऐसा होता तो इस देश के गरीब, मजदूर, बेकसूर, बेगुनाह लोग, छोटे छोटे खाने के अपराध में जेलों में बंद, वो तो बुलबुल पर उड़ के निकल जाया करते थे। नहीं समझ, आप मुझे बताइए, क्या गणेश जी की सवारी चूहिया है, चूहा है तो नहीं चलते ना? उनके लिए जो उनका बंदर, जिसको वो हनुमान कहते हैं, हनुमान भगवान कहते हैं, और जिसके हनुमान चालीसा से लोगों के दुख और कष्ट और भूत प्रेत भगाते हैं, वो बंदर यहां से 16 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 16 से 22 करोड़ की किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से, उस दूरी पर रहने वाले सूर्य को वो निगल जाता, और इतनी आग जिसकी उस गर्मी को वो पचा जाता है। और आज का बंदर, अगर आप थोड़ी सी माचिस की तिल्ली उसके आगे लगा दो तो भाग जाता है। ये कौन सा बंदर था उस जमाने का भैया, जो पूरे सूरज को निगल गया? आप किसी बंदर के आगे लगा देना माचिस उसके मुंह के आगे, या उसके हाथ पे लगा देना, ना भाग जाए दूर, बचेगा वो पहले। ये भावना की बात कहां, साइंस की बात है। क्या सूरज को कोई बंदर निगल सकता है? क्या किसी जीप पर, किसी कीड़े मकोड़े पर, किसी जानवर पर बैठकर आदमी उड़ सकता है? एक बात मुझे बताइए, इन्होंने हर देवी देवता के हाथ में हथियार दे रखे हैं। क्या ये हथियार इन देवी देवताओं में बनाए थे? क्या उस समय इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई थी? क्या हथियार सारे बन चुके थे? क्या तलवारें बन चुकी थी? क्या भाले बन चुके थे? क्या इन्होंने इसमें किसी निर्माण में काम किया, जो ये 8 हाथ 12 हाथ बनाते? क्या इस तरह का कोई बच्चा जन्म लिया है आज तक? क्या आपके घर में आपके भाई ने, बहन ने, भतीजी ने, किसी आपके किसी गांव में, परिवार में जन्म लिया है ऐसा बच्चा जिसका सर हाथी का हो, या किसी के 4 हाथ हो 5 हाथ हो? अगर हो जाएगा तो उसे एबनॉर्मल कहेंगे, जाकर के सर्जरी कराएंगे। उसको 2 हाथ वाला बच्चा ही चाहिए हर किसी को। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी बच्चा चाहूंगी तो मेरा 2 हाथ और 2 पैर होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा कहीं कुछ होता है तो सर्जरी कराने भागते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। एक सर पर ही इंसान बच्चे को स्वस्थ मानता है, साइंस भी स्वस्थ मानती है। आप में अगर 3 सर हो गए तो ले जाकर के सबसे पहले उसको डॉक्टर के यहाँ उसकी सर्जरी कराएंगे, पूछेंगे खर्चा कितना लगेगा। तो ये भावना की बात नहीं है, साइंस की बात है। आज विज्ञान का दौर है, ये सब चीजें बेकार की गाल गपोड़ बजा करके कह दिया, लोग ऐसे छित लोगों ने मान लिया। शिक्षा आई है, इसीलिए इन्होंने शिक्षा को केवल एक वर्ग विशेष के लिए आरक्षित रखा, क्योंकि आम जनता जान गई तो वो सवाल करेगी, यार ऐसा है तो इसका रीजन क्या? मंदिर में करोड़ों करोड़ों देवदासियां रही, ठीक है, आपको पता होगा देश के अंदर करोड़ों देवदासियां रही, उनकी चीखे मंदिर के भगवान को आवाज नहीं गई, उन बच्चियों की आवाज ही नहीं गई, वो बहरा बनकर बैठा रहा। तो अब वो तुम्हारे दुखों को क्या सुनेगा? जब उसने उनके बदन नोचती हुई बच्चों की आवाज नहीं सुनी, तो तुम्हारे मकान दे दो, दुकान दे दो, लड़के की नौकरी दे दो, बेटे का ब्याह करा दो, बेटे को अच्छी बहू दे दो, सुंदर गोरी चिकनी बहू हमारे घर में आ जाए, नौकरानी की तरह काम करे, हमारे सारे दुख मिट जाए, घुटों का दर्द खत्म हो जाए, और शरीर पर जो हमारे खुजली हुई है वो खत्म हो जाए, ये भगवान हमें ठीक। तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें क्या सुनेगा? जब उसे उस पीड़ा को नहीं सुनाई दी, वो बहरा भगवान सुन लेगा क्या? नहीं सुन सकता। मेरी तो आज तक नहीं सुनी, मैं तो हर मंदिर मंदिर में किसको, मुझे तो जेल में क्या होगा, जेल भेजेंगे ना, जेल में बहुत सारे बेगुनाह जाकर रह गए, मुझे भेज देंगे, मैं जेल से भी नहीं रहती। मेरे शरीर को बंद किया जा सकता है जेल में, मेरे विचारों को नहीं,
और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, निर्देश जेल जाकर भी ना निर्देश लिखेगी, निर्देश पढ़ेगी। निर्देश निर्देश से निर्देश का दिमाग नहीं छीना जा सकता और न निर्देश से विचार छीना जा सकता। निर्देश जेल जाने से पहले और मरने से पहले इतना कुछ बोलकर और कहकर जाएगी कि उसके लाखों करोड़ों अनुयायी उस विचार को जो मैं अकेली आज पहुंचा रही, कल करोड़ों लोग इसको आगे पहुंचे। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर देश के नहीं पूरे विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से पार्लियामेंट का नाम अगर होता है तो ये देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात रहेगी। पूरे पूरे विश्व को डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर गर्व है। अगर हमारे देश की संसद उनके नाम से होती है तो हमारे देश को भी गर्व होना चाहिए। गर्व का मौका तो हमें भी मिलना चाहिए, जो इतना ब्रिलियंट महापुरुष इस देश के अंदर जन्मा, अगर उसके नाम से होता है तो मेरे लिए तो गर्व की बात है और इस देश के लिए पूरे गर्व की बात है। जहाँ बच्चे देखने आएंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी पढ़ेंगे, भी लाइब्रेरी में भी जाएंगे, और माँ बाप घर वालों से पूछेंगे कि मम्मी डॉक्टर अंबेडकर कौन थे। जब पूछेंगे तो माँ बाप बताएंगे कि बेटा डॉक्टर अंबेडकर ये व्यक्ति थे जिसने इस देश के अंदर इस देश को RBI दी, इसने इस देश के अंदर क्या कहते हैं गरीबों को, मजलूमों को, महिलाओं को, सबको समान अधिकार दिए। जो नीचे थे उनको भी बराबर में ला करके रखा, और जो आज देश के अंदर समस्त कर्मचारी हैं, चाहे महिला है या पुरुष है या नीचे लेबर है, सारे कर्मचारी अधिकारियों को जो आज 8 घंटे का काम करने के लिए छूट है, सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और सैलरी मिल जाती है, ये भी प्रावधान डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। तो देश का प्रत्येक नागरिक डॉक्टर अंबेडकर का ऋणी है। अगर उनके नाम से होता है तो देश की समस्त जनता के लिए खुशी की बात होगी। उन्हें ये पता चल गया है कि डॉक्टर अंबेडकर एक विश्व स्तरीय लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं और उनके विचारों को पूरा विश्व मान चुका है, तो वो अपनी इमेज और अपना फोटो और अपनी तस्वीर को एक ऐसा दिखाते हैं कि मैं भी अंबेडकर को मानता हूँ, तुम ही नहीं मानते, तुम गर्व कर रहे हो, मैं भी मानता हूँ। वो दिखावे के लिए ऐसा करके उनका नाम लेना चाहते हैं। अगर वास्तव में वो डॉक्टर अंबेडकर को लाइक करते, उनके विचारों को समझते, तो उनको पढ़ते और उन पर चलते, और ये देश के अंदर जिस दिन सरकारें डॉक्टर अंबेडकर को समझने लगेंगी, मुझे लगता है कि विश्व के अंदर ना विश्व गुरु बनने में दोबारा से इस भारत को ज़्यादा समय नहीं लगेगा।